सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सोच हमेशा ऐसा होना चाहिए, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो होगा वो मेरी लाइफ में अब तक का सबसे बेस्ट होगा। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। आज का पंचांग 3 मार्च 2022 दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 9:36 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र रात्रि 1:56 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 2:06 से 3:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:15 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 8:03 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि, अभी आप सामाजिक मूड में हैं और हालिया सफलता का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के कगार पर हैं, जो शायद विवाह से जुड़ा हो सकता है। अनुबंध और बिक्री के कार्यों की समीक्षा करें, व्यय कम करें और बुरे दिन के लिए कुछ धन बचाएं। अपने काम से प्राप्त प्रतिष्ठा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अपने भविष्य की पहल से बनाई योजना आपको आने वाले समय में फायदा दिलाएगी। प्रसिद्धि, धन और महिमा की प्राप्ति होगी। आज बेहतरीन काम करना कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी है और आपके कार्य में निपुणता यह दर्शाती है कि आप सही रास्ते पर हैं। घरेलू मामलों को अभी आपके समय और ध्यान की जरूरत है। आज धन का प्रयोग मरम्मत या नई खरीदारी जैसे संपत्ति या वाहन के लिए किया जा सकता है। यात्रा की भी संभावना है। पिता के समान किसी व्यक्ति का सलाहकार के साथ यात्रा करना आपको नई संभावनाओं या आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। उच्च शिक्षा में दाखिला लेने या नए कौशल और व्यापार को सीखने के लिए क्लास लेने के बारे में विचार करें। करियर में परिवर्तन की पहले से ही संभावना है। आपका अच्छा भाग्य सही दृष्टिकोण और प्रभावशाली क्षण में सही निर्णय लेने पर निर्भर करता है। जहाँ तक आपके भावनात्मक पहलू की बात है, तो प्रेम की शारीरिक विशेषताएं प्यार के आपकी परिभाषा को नियंत्रित करती है। जुनून, सेक्स और अंतरंगता आपके लिए बहुत मायने रखती है। आप ऊर्जा से भरपूर हैं व प्यार और हंसी आपकी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है। आप अपने धन का सही इस्तेमाल करते हैं। इस समय आप अपने जीवन के सच्चे बॉस हैं, जो हर पल का मजा ले रहा है और खुलकर जी रहा है। जुनून, विनोद और उल्लासपूर्ण स्वभाव हमेशा ऐसा ही रहेगा और कभी कम नहीं होगा। सितारों की चाल से जानकारी मिल रही है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारिक कार्यों में अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी और अच्छे व्यापारिक साख के चलते कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना बन रही है। सरकारी कामों में कोई रुकावट या परेशानी आ सकती है। वर्क फ्रॉम होम करने वाले जातकों को फिर से ऑफिस बुलाया जा सकता है। नौकरी पेशा वर्ग के जातक समय पर काम पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने परिवार को समय दे पाएं। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी और नजदीकियां बढ़ेगी। घर का वातावरण अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता और पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण होंगे। यात्रा करते समय अपने समाज का ध्यान रखें, अन्यथा किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका है। सावधानियां, लोगों को अपने व्यापार में लाभ कमाने के लिए
करवाहट को मिठास में बदलने की कला को सीखना होगा, तभी वह लाभ कमा पाएंगे। आपको अपने व्यापार में अपने जूनियर की गलतियों को भी नजरअंदाज करना होगा, नहीं तो कोई विवाद भी खड़ा हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। अभी आपका लिव इन पार्टनर आप पर खास मेहरबान है और हो सकता है कि जल्द ही आप विवाह के बंधनों में बन जाए। ऐसे में आपका उनके लिए कुछ खास करना तो बनता है। कानूनी समझौतों के लिए अभी समय उचित नहीं है। आशा आपको जो सफलता मिलेगी उससे आप भौतिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे और इससे आपके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित होगा। आपका जीवन साथी आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा। आज आप हर काम में जान लगा देंगे, इससे आपका कल बेहतर बनेगा। घरेलू मामलों को प्राथमिकता दें और आज घर के मुद्दों को सुलझाएं। इसके लिए घर के नवीनीकरण या मरम्मत की भी आवश्यकता हो सकती है। विश्वास और समर्थन का स्रोत बने, क्योंकि आपके पार्टनर का परिवार अभी किसी परेशानी से गुजर रहा है। कानूनी मामलों में आपकी राय की आवश्यकता हो सकती है। किसी कवि का कहना है कि अपने जुनून का पीछा करना एक खुश आत्मा को अधिक प्रकाशित कर देता है। आप प्यार की उत्तेजना और उत्साह के माध्यम से अपनी परेशानी भावनाओं को दूर करने में सक्षम हैं। अनजान शैली आपके जीवन को खुशी से भर देगी। एक अच्छी दोस्ती, रोमांटिक रिश्ता और मेहमानों पर ध्यान देना भी जीवन को आकर्षण बनाता है। खुशियों के दिन आसानी से नहीं मिलते, तो इन्हें दिल खोलकर जिए। हालांकि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं और निश्चित रूप से जीवन को प्यार करने का यह सबसे सकारात्मक तरीका है। बात करते हैं करियर की। घर की मरम्मत और कार्य स्थल में निर्माण अभी आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। किसी यात्रा पर जाने से पहले अचल संपत्ति या वाहन जैसी चिंताओं से निपटना जरूरी है। पदाधिकारी या गुरु की कंपनी में कहीं दूर जाने से आपको नए अवसर और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा समय है। करियर में भी बदलाव की संभावना है। खुद को दुर्घटना, नुकसान या चोरी से बचाने के लिए आप अपने सामान और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। अभी आपके दिमाग में केवल प्यार, जुनून और सेक्स है। धन के आगमन के कारण आपके उत्साह को पंख मिलेंगे। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि स्वास्थ्य ही धन है। आपके पास जितना धन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास भाग्य का मजा लेने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य ही नहीं है। सब जानते हैं कि आप एक साहसी व्यक्ति हैं और आपकी कड़ी मेहनत हमेशा आपको लाभ दिलाती है। अभी जो भी अच्छे फल आप प्राप्त कर रहे हैं वह आपकी किस्मत के कारण नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा लेकिन मोटापे से संबंधित परेशानी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। खान पीन को ध्यान में रखें। कईयों का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का वहम बना रहेगा। सुबह उठकर ध्यान व योग करना लाभकारी होगा। आज का उपाय, गरीब बुजुर्गों की सहायता करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।